नमस्कार दोस्तों, वी आर क्रिएटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे बाकी जो हमारे जो बचे इसमें, आज हम सीखेंगे फाइल मेनू में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है और इसमें कैसे काम करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वेरिएबल डाटा सेट, हम इसके बारे में बता दें वेरिएबल डाटा सेट कैसे काम करता है और इसे किस तरह से काम में लाया जाता है। जैसे आपको कॉलेज के कोई आईडी कार्ड बनाना है या कुछ बनाने, तो अलग अलग नामों से मतलब बहुत सारे बनाने, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके वेरिएबल डाटा सेट के नाम से भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं इसमें वेरिएबल डाटा सेट की मतलब ये है कि इसमें आईडी कार्ड, जैसे हमारा आईडी कार्ड बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे फोटोज होते हैं एंड उसके डाटा होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो एक बार में हम क्या करते हैं उसको सेट करते हैं एंड उसको डाटा वेरिएबल, अलग अलग डाटा जो इसके नाम डेट बर्थ एंड सब कुछ होते हैं अलग अलग, तो उसको हम इसके वेरिएबल डाटा सेट के उससे हम उसको सही करते हैं, वेरिएबल डाटा सेट करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है वीडियो फ्रेम टू लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको जो वीडियो है, कोई से वीडियो है आप उसमें देखेंगे किसी भी सोशल मीडिया में या फेसबुक या इंस्टाग्राम में, तो उसमें क्या होता है ब्लिंक होता है, कोई शॉर्ट से जिप फाइल होता है जिसमें क्या होता है वीडियो को उसको लेयर में आपको कन्वर्ट करके और कुछ लेयर उसमें रखा जाता है और जिसको उसको चलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं और वीडियो फ्रेम इसमें कैसे क्या होता है हम चेक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट वीडियो फ्रेम टू लेयर इज नॉट अवेलेबल इन दिस 64 बिट्स वर्जन ऑफ फोटोशॉप, प्लीज यूज दी 32 बिट्स वर्जन इंस्टेड। इसका मतलब ये है कि हम इस अगर इस ये जो फोटोशॉप है ये CS5 है और CS5 ये 64 बिट में इंस्टॉल है। अगर हमें वीडियो फ्रेम में करना है तो 32 बिट्स में हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर जाके इसको हम वीडियो को इंपोर्ट करना मतलब इंपोर्ट कर पाएंगे इसमें। तो अगर आपका 32 बिट्स है तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें जो फ्रेम रखना है आपको, कितने फ्रेम वाइज रखना है, जैसे 10 15 20, आपको उस फ्रेम रख के आप उसको क्या करेंगे रेंडर, जब उसको रेंडर कर देंगे तो आपका वो जिप फाइल, आप उसको जब सेव करेंगे तो उसको जिप फाइल में सेव करेंगे और जिप फाइल में जब सेव करेंगे तो वो आपका वीडियो की तरह वो चलेगा, ठीक है, तो वैसे आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं नोट्स, जैसे कि नोट्स बनाते हैं, कुछ भी नोट्स आप मान लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ से नोट ले लेते हैं, एंड एक्स वाई जेड इसको हम कुछ भी इसको हम टाइप कर देते, ठीक है, एंड हम क्या कर देते इसको मिनिमाइज कर देते, और ये जो हमारा नोट्स है यहाँ पे देखेंगे हम इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारा नोट्स ओपन हो गया है। तो हम उसके बाद हम जैसे कि सेव एज करेंगे, सेव एज, ठीक है, तो हम इसको करेंगे PDF, ठीक है, PDF में सेव करेंगे, मान लीजिए हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे, ठीक है, हम इसको PDF में सेव करके इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग वो है ऑप्शन है तो आप उसमें चेक करके देख सकते हैं, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इम्पोर्ट एंड ये हमारा जो WIA सपोर्टेड, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कैमरा या वीडियो या जिसपे हमारा सपोर्टेड है, जैसे वायरलेस, जैसे ये आपका कोई प्रिंटर है, ठीक है, कोई प्रिंटर जब इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, तो सपोर्टेड करेगा और उसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ आ गया नो WIA, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ऐसा कुछ यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं है, चाहे प्रिंटर हो या चाहे कुछ कैमरा या मोबाइल के, उससे हमारा यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए यहाँ प्लगइन्स, ठीक है, कोई उसके साथ उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है, हम इसको कर देते हैं ओके। एंड उसके बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट पे, आता है जैसे एक्सपोर्ट में हुई है जो हमारा जो डाटा सेट एज फाइल, जो हम डाटा सेट का जो फाइल हो बनाते हैं उसको हम डाटा सेट को हमें उसको सेट फाइल को डाटा सेट एज फाइल हम उसमें फाइल को सेट कर उसको सेट करते हैं, उसको सेट यहाँ से हम पहले यहाँ पे वेरिएबल पे जाके उसको डाटा सेट करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट में हम उसको फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पाथ टू इलस्ट्रेटर, ठीक है, हम जैसे कोई से पाथ बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम इसको हम यहाँ से पाथ बना लेते हैं, ठीक है,
अब इसको हम कर देते हैं यहां से ओके, एंड इसको भी हम पाथ बना लेते हैं, मान लीजिए इसको, ठीक है, इस दो को पाथ बना लेते हैं, एंड हम जाते हैं इस पे सेव एस पे, ठीक है, हम करते हैं सेव एस, ठीक है। अब जैसे ये पाथ बन गया, अब हमारे वहां पे जाते हैं एक्सपोर्ट पे, पाथ टू इलस्ट्रेटर। अब जैसे इलस्ट्रेटर ये वर्क है, ठीक है, अब इस पर हम क्या करें, सेव यहाँ पे नाम 70 है, यहाँ पे कर देता हूँ 100, यहाँ पे कर देता हूँ 100, ठीक है, अब इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है, ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे 100 के नाम से यहाँ पे इलस्ट्रेटर में सेव हो चुका है, हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये देखें हमारे इलस्ट्रेटर में ये ओपन होगा, ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो चुका है, हम इसको करेंगे ओके, ठीक है, और ये हम इसको थोड़ा कंट्रोल माइनस से करेंगे, थोड़ा माइनस, एंड हम इसको जब देखेंगे तो हमारा देखिए ये जो पाथ है, हमने जो पाथ वहां पे सिलेक्ट किया हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ, इसको हम रिलीज कर दिया, एंड इसको हम कर मान लीजिए इसको हमें क्या करना, मान लीजिए इसको स्ट्रोक देना है, तो अब यहाँ से हम जाके स्ट्रोक दे देते 6 हमारे जो यहाँ पे दे दिया। अब सेकेंड इसको भी देना है चाहते हैं आप तो यहाँ से भी आप दे देते 6 दे देते इसको भी, एंड इसको आप इसमें कुछ काम करना चाहते तो यहाँ से जाके आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वह यहाँ से आप कैसे भी करके आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं, पाथ को कैसे मूव करेंगे, और इसको अगर आपको डिजाइन बनाना है, इसको कुछ भी करना है इसमें, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल कलर है, यहाँ पे फिल कलर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई से कलर फिल कर दे, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कलर फिल हो चुका है। पाथ सिलेक्शन ऐसे काम करता है, ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको, इसको कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद आते हैं फोटोशॉप में फिर से, एंड इसको हम कर देते हैं बैक, ठीक है, हम इसको कर देते हैं बैक, ठीक है, इसको कंट्रोल डी, एंड इसको हम उसके बाद आते हैं हमारे पास रेंडर वीडियो। एक्चुअली इसमें हमारा जो वीडियो है एक्चुअली इसमें इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये 64 बिट्स में इंस्टॉल है, अगर आपको चेक करना है तो आप 32 बिट्स में इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो इजीली हो जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जूमीफाई, जूमीफाई पे हम जब क्लिक करते हैं इमेज को, तो उसके बाद देखिए हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्या करना है, इसमें एक्चुअली ये है हमारे जो वेबसाइट के लिए हम इसमें इमेज सेट करते हैं, हम वेबसाइट के लिए अगर कुछ सेव करना चाहते हैं तो इस इमेज को हम दे सकते हैं, और फोल्डर हमें जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट यहाँ पे देखेंगे हमारा टेम्पलेट बैकग्राउंड ग्रे ऐसा ये, ठीक है, आप इसमें नाम दे सकते हैं जूमीफाई व्यूअर, जो व्यूअर होंगे, ठीक है, वो कैसे बैकग्राउंड देखेंगे, ग्रे एंड ब्लैक, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप टेम्पलेट में यहाँ पे चूज कर सकते हैं नाम। इसके बाद फोल्डर में है कहाँ सेव करना है, पीसी डेस्कटॉप में कहाँ सेव करना है, ठीक है, आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइल चूज करके यहाँ पे मान लीजिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ओके कर दीजिए, ठीक है, यहाँ फाइल नेम, आपको फाइल जो बेस नेम है उसका क्या नाम देना है, ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी देखिए, इमेज टाइटल ऑप्शन यहाँ पे टाइल ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप जो क्वालिटी है आपको क्वालिटी कितना रखना है यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इमेज का साइज है यहाँ से इतना है और इतना है, ठीक है, 400x400 है, ठीक है, तो आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है, तो इसको ये हमारा जो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जूमीफाई ये, ठीक है, ये 400x400 है, ऐसे जूमीफाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब जूमीफाई पे करेंगे तो एक्चुअली ये वेब के लिए वो सेव होता है, ठीक है, आप देखेंगे जूमीफाई पे क्लिक करेंगे जैसे ही वेब में, अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ये देखिए हमारा जो है ये देखिए जूमीफाई, अब ये देखिए यहाँ पे हम जब जैसे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली यहाँ वेबसाइट के लिए काम होता है, आप चेक करना चाहते हैं जूमीफाई ये कौन का वेबसाइट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट में हमारा जो 400x400 में ये, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे तो रश फ्लैश है, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, आपको अगर सेव करना है तो आप उसमें सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन एक्सपोर्ट में, जूमीफाई हो गया, ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा, अगर कुछ भी फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट
एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।